डर तो नहीं लग रहा था, लेकिन जो दहशत फैली थी आसपास पूरी, उससे थोड़ा सा अजीब लगता था। मैं तो अच्छे से घूम कर आई थी, आने के बाद में थोड़ा कुछ ऐसे लगा कि शायद तबीयत ठीक नहीं है। तब सोचा कि शायद मैं कोल्ड कंट्री से आई हूँ, तो उसकी वजह से मेरी कंपैटिबिलिटी टेम्परेचर्स की नहीं हो रही है। लेकिन जब एहसास हुआ कि कुछ ज़्यादा है, तो मेरा बेटा जो डॉक्टर है वो भी आ गया था मुंबई से, दोनों ही बच्चे आ गए थे। लेकिन उसने मुझे एक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझाया, जिसको क्लिनिकल टर्म्स में दाबड़ा कहते हैं। दाबड़ा इज़ बेसिकली, यू नो, यू लिव इन डिनायल कि मुझे तो हो ही नहीं सकता है। आपकी भाषा में जर्नलिस्ट जैसे बोलते हैं, यू नो, इन्वेस्टिगेटिव व्यू जो होता है, उसने मुझे साइंटिफिक माइंड यूज़ करने के लिए कहा, और कहा कि डोंट लिव इन डिनायल मॉम, मे बी देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी आपको कुछ हो, आप टेस्ट करा लीजिए पूरे। तो फिर फ्रॉम डिनायल टू एक्सेप्टेंस, आई थिंक जो फेज था थोड़ा सा था, इट वॉज क्वाइट एन ऑर्डियल। पहले तो गुस्सा आया कि मैं ही क्यों, मैं खुद के लिए डरी हुई नहीं थी। जिन लोगों से मैं मिली थी, मुझे उनके लिए चिंता थी काफ़ी। घर में ओल्ड मॉम्स हैं, मेरे स्टूडेंट्स थे, कॉलीग्स थे, उनके प्रति मुझे थोड़ा मन में भय था, खुद के लिए नहीं था। मुझे अस्पताल में तो इस चीज़ का पता नहीं चला कि मेरे घर के आसपास क्या हो रहा है। जब डिस्चार्ज होके अस्पताल से घर आई थी, क्वारंटाइन में थी, तब मुझे काफ़ी किस्से सुनने को मिले। तब मुझे बताया गया कि कैसे यहाँ पे पूरी स्ट्रीट को सैनिटाइज किया जा रहा था, और किस तरीके से पूरे बैरिकेड्स लगा दिए गए थे, जैसे कि कोई यू नो, मैं एक अछूत की बीमारी शायद लेकर आ गई हूँ। मैंने बाद में मेरे काफ़ी फ्रेंड सर्कल में लोगों से सुना कि इनकी वजह से इस शहर में ये बीमारी आ गई। जबकि इंटरेस्टिंग बात ये है कि 3 हफ्ते तक शहर में ये बीमारी किसी को हुई ही नहीं थी। मतलब मेरे आसपास के लोगों को तो आप जाने दीजिए, घर में जाने दीजिए, किसी को शहर में ही नहीं हुई थी। तो ये सुन के बड़ी हैरत हुई कि इस तरीके से लोगों ने ओवर रिएक्ट किया। आई थिंक वो डर शायद जनरली सबके मनों में था, जिस तरीके से आप लोग भी, मीडिया भी जैसे कवर कर रही थी। आई थिंक जो पहले अग्रेसिवनेस थी लिखने में, आई थिंक बाद में आप लोगों की भी राइटिंग्स में नहीं थी। देर वॉज अ सटल काइंड ऑफ अ नोट, लेकिन अंटिल देन हर चीज़ का एक इंटेंस रूप था। ये बात सही है। मैं उसको अब अगर समझने की कोशिश करती हूँ, तो मुझे लगता है कि लोगों के मन में, सभी के मनों में डर था। आफ्टर ऑल जर्नलिस्ट भी तो ह्यूमंस ही है ना। बट आई थिंक समटाइम्स वी ओवर रिएक्ट। हमें एक जिम्मेदारी से जिस चीज़ को संभालना है, हम शायद एज अ कलेक्टिव नहीं कर पाते हैं। मेरे छोटे बेटे को जाके स्पेन में हो गया, वो वहाँ पे MBA कर रहा है एक IESE स्कूल के नाम पे जगह से, और उसके पास कोई भी नहीं था। तो वहाँ पे तो इससे ज़्यादा फैला हुआ है बल्कि। लेकिन आई थिंक वहाँ पे जिस तरीके से इसको संभाला जा रहा है, मैं ये नहीं कह रही हूँ यहाँ हम लोग बराबर से नहीं कर पा रहे हैं, यहाँ की गवर्नमेंट ने क्या नहीं किया है। डायग्नोस्टिक यूनिट्स जो होते हैं बढ़ाए हैं, सेंटर्स बढ़ाए हैं, PPE वेंटिलेशन एंड लाइक यू नो एवरीथिंग, आप अगर देखें तो हर चीज़ उन लोगों ने प्रोड्यूस करी है इन टाइम। आज वैक्सीनेशन भी देखिए, वी आर एग्जाम्पल एट द ग्लोबल लेवल। लेकिन उसके बावजूद जिस तरीके से वहाँ संभाला जा रहा है, अंडर 30 अगर कोई है, या जिसका सेचुरेशन लेवल ऑक्सीडेशन का 95 के अंदर है, तो वो लोग उसको एडमिट ही नहीं करते हैं। 101 के अंडर अगर टेम्परेचर है, तो वो एडमिट ही नहीं करते हैं। सिर्फ चीज़ें बता दी गई हैं कि आपको ये लेनी है। आई थिंक यहाँ पे इस चीज़ का एहसास ही नहीं है लोगों को। हर चीज़ दूसरे के ऊपर जिम्मेदारी सौंपना, मतलब दे दिया जाता है, खुद कुछ भी लेने के लिए तैयार नहीं है। चेंजेस तो बहुत सारे हुए, आई मीन एट पर्सनल लेवल बहुत सारे चेंजेस हुए। जब ये मेरे साथ हुआ, मेरे परिवार के साथ हुआ, तो एक हमारे लिए वो एक एपोकैलिप्स जो बोलते हैं हिंदी में, जो सर्वनाश बोला जाता है, पहले तो उस चीज़ का एहसास उस रूप से था, तब तो सोचा नहीं था। लेकिन हाँ, ज़िंदगी का मायने बदल जाता है, फैमिली बहुत प्यारी लगने लगती है। कितने लोग पराए हो गए, कितने जिनसे कुछ नहीं था वो अपने हो गए, सही चेहरे सामने आते हैं। बहुत चेंजेस और चैलेंजेस मैंने भी फेस किए। और प्लेस ऑफ वर्क भी बहुत कुछ बदल गया, ऑनलाइन टीचिंग हो गई, वर्चुअल मीटिंग्स हो गई, सब कुछ मीनिंगफुल हो गया। तब सोचा भी नहीं था कि ऑनलाइन इतना मीनिंगफुल हो सकता है। वर्क प्लेस देखिए आप, प्रोफेशनली या पर्सनली लाइफ देखिए आप, सब कुछ तो बदल गया, देखने का नज़रिया ही बदल गया टोटली। एक्चुअली मैं इस बारे में जवाब ना दूँ तो बेहतर है, जब इतना अफरा तफरी का माहौल हो जाता है तो
क्या बोलें ऐसे माहौल में। हाँ, लेकिन तब भी कुछ स्टूडेंट्स जिन्होंने मुझे दिल से रीच आउट किया था, आई थिंक माई क्यूडोज टू देम। उस वक्त कंपैशनेट मैसेजेस आना बच्चों से बहुत दिल को अच्छा लगता था। खाली इस वक्त के ही बच्चे नहीं, जो पुराने भी पढ़ के जा चुके हैं या जहाँ पहले भी मैं पढ़ाती थी, वो बच्चे जो आज बहुत सीनियर पोजीशंस पे बैठे हुए हैं, वो भी जब कहीं से उन्हें पता लगता था, सुन के तो अच्छा ही लगता है, मन को अच्छा ही लगता था, यू नो। लेकिन हाँ, रियलिटी चेक भी था मेरे लिए एट द सेम टाइम। इतने बड़ी चीज़ से जब मैं गुजर रही थी तो बहुत चीज़ों के प्रति मैं सेंसिटिव थी, कुछ मुझे अब नज़रअंदाज करनी पड़ी हैं। आई हैव लर्न टू एक्सेप्ट लॉट्स ऑफ थिंग्स।